हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी के शेयर के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी का हाल फिलहाल Q3 रिजल्ट आया था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया के नंबर वन ऑटो मैन्युफैक्चर की कंपनी है, जो इसका प्रॉफिट था वो भी पहले से 48% तक घटा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 1041 करोड़ रुपये रह गया है। दोस्तों, से बड़े बड़े ब्रोकरेज जैसे कि CLSA ने इसको बाय की सलाह दी है और इसका टारगेट प्राइस है वो 10,500 प्लस कर दिया है। जेफरीज ने भी बाय की सलाह दी है और उन्होंने भी टारगेट प्राइस 10,500 कर दिया। मॉर्गन स्टैनली, क्रेडिट स्विस, गोल्डन मैन सैक्स, मैक्वारी और मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकरेज हमने इस शेयर को बाय करने की सलाह दी है और कहा है कि जिसको प्राइस है वो 10,000 प्लस आने वाले कुछ दिनों में जाने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें शेयर को बाय करना चाहिए। उन बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि कंपनी अभी नुकसान में, लेकिन आने वाले समय में इसको रिकवर कर लेगी, जो इसका शेयर प्राइस वो बढ़ने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।